दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग आज देख रहे हैं इस मैच को, आज दोस्तों आईपीएल का ये 15वां मैच खेला गया। दोस्तों आईपीएल 2022 का ये 15वां मुकाबला दिल्ली और लखनऊ के बीच में खेला गया। एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज के मैच में लखनऊ ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया था और गेंदबाजी करते हुए पहले इनवाइट किया दिल्ली को बैटिंग करने के लिए और दिल्ली की टीम ने 149 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। दोस्तों अगर बात करें दिल्ली के खिलाड़ियों के रन बनाने की, तो पृथ्वी शाह ने सबसे ज़्यादा रन 34 गेंदों में 61 रन बनाए, जिनमें 9 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। डेविड वार्नर की बात करें तो 12 गेंदों में 4 रन, पावेल ने 3 गेंदों में 10 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 36 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। और खान की बात करें तो आवेश खान ने 38 गेंदों में 36 रन और इस प्रकार से कुल मिला के अतिरिक्त के रूप में मिले 6 रन। कुल दिल्ली की टीम ने 149 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में और जो विकेट गिरने का सिलसिला था वो 67 पर पहला विकेट पृथ्वी शाह के रूप में गिरा। 49 रन पर डेविड वार्नर आउट हुए और पावेल की बात करें तो 74 के स्कोर पर पावेल का विकेट गिरा 10.3 ओवर पर और इस प्रकार के से दिल्ली की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 149 रन का पारी खेली। और उसके बाद बैटिंग करने के लिए उतरी लखनऊ की टीम। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से आज बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की गई क्वांटम डिकॉक के द्वारा। 42 गेंदों में 64 रन बनाए, जिनमें अगर चौकों की बात करें तो 6 चौके और 2 शानदार छक्के लगे। और उसके बाद बारी आती है कप्तान के राहुल की, तो उन्होंने 25 गेंदों पर शानदार 24 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का इनके बल्ले से आज देखने को मिला। लुइस ने 13 गेंदों में 5 रन बनाए, हुड्डा ने 5 गेंदों में 6 रन और अतिरिक्त के रूप में मिले 5 रन। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग करते हुए लखनऊ की टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि लखनऊ की टीम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग की और लखनऊ की अगर बात करें तो अभी तक सिर्फ 1 मैच लखनऊ की टीम हारी है, जबकि पूरे 3 मैच जो है उस हारने के बाद में बहुत ज़बरदस्त वापसी किया और केएल राहुल के बेहतरीन कप्तानी की बदौलत लखनऊ की टीम लगातार 3 बार से मुकाबलों को जीत रही है और एक बार फिर से आईपीएल में कप की तरफ अग्रसर हो रही है और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग लखनऊ की टीम के द्वारा देखने को मिल रही है। लखनऊ की टीम में बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं है, कुछ चुनिंदा खिलाड़ी ही हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिनमें केएल राहुल की बहुत ही बेहतरीन भूमिका है। क्वांटम डिकॉक भी अच्छा कर रहे हैं, हुड्डा भी अच्छा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लखनऊ की टीम ने आज फिर इस मैच को जीत लिया और इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको ये आईपीएल का हाईलाइट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप इस बार आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हमें आप ये जरूर बताएं। और दोस्तों पूरी जानकारी आपको हम चलिए एक बार फिर से दे देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको क्रिकेट की सारी जानकारियां और आईपीएल के पूरे हाईलाइट आपको मिलते रहें। दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग आज देख रहे हैं इस मैच को, आज दोस्तों आईपीएल का ये 15वां मैच खेला गया। दोस्तों आईपीएल 2022 का ये 15वां मुकाबला दिल्ली और लखनऊ के बीच में खेला गया। एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज के मैच में लखनऊ ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया था और गेंदबाजी करते हुए पहले इनवाइट किया दिल्ली को बैटिंग करने के लिए और दिल्ली की टीम ने 149 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। दोस्तों अगर बात करें दिल्ली के खिलाड़ियों के रन बनाने की, तो पृथ्वी शाह ने सबसे ज़्यादा रन 34 गेंदों में 61 रन बनाए, जिनमें 9 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। डेविड वार्नर की बात करें तो 12 गेंदों में 4 रन, पावेल ने 3 गेंदों में 10 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 36 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। और खान की बात करें तो आवेश खान ने 38 गेंदों में 36 रन और इस प्रकार से कुल मिला के अतिरिक्त के रूप में मिले 6 रन। कुल दिल्ली की टीम ने 149 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में और जो विकेट गिरने का सिलसिला था वो 67 पर पहला विकेट पृथ्वी शाह के रूप में गिरा। 49 रन पर डेविड वार्नर आउट हुए और पावेल की बात करें तो 74 के स्कोर पर पावेल का विकेट गिरा 10.3 ओवर पर और इस प्रकार के से दिल्ली की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 149 रन का पारी खेली। और उसके बाद बैटिंग करने के लिए उतरी लखनऊ की
टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से आज बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की गई। क्वांटम डिकॉक के द्वारा 42 गेंदों में 64 रन बनाए, जिनमें अगर चौकों की बात करें तो 6 चौके और 2 शानदार छक्के लगे। और उसके बाद बारी आती है कप्तान के राहुल की, तो उन्होंने 25 गेंदों पर शानदार 24 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का इनके बल्ले से आज देखने को मिला। लुइस ने 13 गेंदों में 5 रन बनाए, हुड्डा ने 5 गेंदों में 6 रन और अतिरिक्त के रूप में मिले 5 रन। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग करते हुए लखनऊ की टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि लखनऊ की टीम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग की, और लखनऊ की अगर बात करें तो अभी तक सिर्फ एक मैच लखनऊ की टीम हारी है, जबकि पूरे 3 मैच जो है उस हारने के बाद में बहुत ज़बरदस्त वापसी किया, और के राहुल के बेहतरीन कप्तानी की बदौलत लखनऊ की टीम लगातार 3 बार से मुकाबलों को जीत रही है और एक बार फिर से IPL में कप की तरफ अग्रसर हो रही है। और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग लखनऊ की टीम के द्वारा देखने को मिल रही है। लखनऊ की टीम में बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं है, कुछ चुनिंदा खिलाड़ी ही हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिनमें के राहुल की बहुत ही बेहतरीन भूमिका है, क्वांटम डिकॉक भी अच्छा कर रहे हैं, हुड्डा भी अच्छा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लखनऊ की टीम ने आज फिर इस मैच को जीत लिया और इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको ये IPL का हाईलाइट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस बार IPL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हमें आप ये ज़रूर बताएं। और दोस्तों पूरी जानकारी आपको हम चलिए एक बार फिर से दे देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको क्रिकेट की सारी जानकारियों और IPL के पूरे हाईलाइट आपको मिलते रहें। दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग आज देख रहे हैं इस मैच को, आज दोस्तों IPL का ये 15वां मैच खेला गया। दोस्तों IPL 2022 का ये 15वां मुकाबला दिल्ली और लखनऊ के बीच में खेला गया। एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज के मैच में लखनऊ ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और गेंदबाजी करते हुए पहले इनवाइट किया दिल्ली को बैटिंग करने के लिए, और दिल्ली की टीम ने 149 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। दोस्तों अगर बात करें दिल्ली के खिलाड़ियों के रन बनाने की, तो पृथ्वी शाह ने सबसे ज़्यादा रन 34 गेंदों में 61 रन बनाए, जिनमें 9 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। डेविड वार्नर की बात करें तो 12 गेंदों में 4 रन, पावेल ने 3 गेंदों में 10 रन बनाए, और ऋषभ पंत ने 36 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। और खान की बात करें तो आवेश खान ने 38 गेंदों में 36 रन, और इस प्रकार से कुल मिला के अतिरिक्त के रूप में मिले 6 रन। कुल दिल्ली की टीम ने 149 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में, और जो विकेट गिरने का सिलसिला था वो 67 पर पहला विकेट पृथ्वी शाह के रूप में गिरा, 49 रन पर डेविड वार्नर आउट हुए। और पावेल की बात करें तो 74 के स्कोर पर पावेल का विकेट गिरा 10.3 ओवर पर, और इस प्रकार के से दिल्ली की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 149 रन का पारी खेली। और उसके बाद बैटिंग करने के लिए उतरी लखनऊ की टीम। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से आज बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की गई। क्वांटम डिकॉक के द्वारा 42 गेंदों में 64 रन बनाए, जिनमें अगर चौकों की बात करें तो 6 चौके और 2 शानदार छक्के लगे। और उसके बाद बारी आती है कप्तान के राहुल की, तो उन्होंने 25 गेंदों पर शानदार 24 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का इनके बल्ले से आज देखने को मिला। लुइस ने 13 गेंदों में 5 रन बनाए, हुड्डा ने 5 गेंदों में 6 रन और अतिरिक्त के रूप में मिले 5 रन। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग करते हुए लखनऊ की टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि लखनऊ की टीम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग की, और लखनऊ की अगर बात करें तो अभी तक सिर्फ एक मैच लखनऊ की टीम हारी है, जबकि पूरे 3 मैच जो है उस हारने के बाद में बहुत ज़बरदस्त वापसी किया, और के राहुल के बेहतरीन कप्तानी की बदौलत लखनऊ की टीम लगातार 3 बार से मुकाबलों को जीत रही है और एक बार फिर से IPL में कप की तरफ अग्रसर हो रही है। और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग लखनऊ की टीम के द्वारा देखने को मिल रही है। लखनऊ की टीम में बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी नहीं है, कुछ चुनिंदा खिलाड़ी ही हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिनमें के राहुल की बहुत ही बेहतरीन भूमिका है, क्वांटम डिकॉक भी अच्छा कर रहे हैं, हुड्डा भी अच्छा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लखनऊ की टीम ने आज फिर इस मैच को जीत लिया और इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको ये IPL का हाईलाइट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप इस बार IPL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हमें आप ये ज़रूर बताएं। और दोस्तों पूरी जानकारी आपको हम चलिए एक बार फिर से दे
देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको क्रिकेट की सारी जानकारियों और आईपीएल के पूरे हाईलाइट आपको मिलते रहें। दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग आज देख रहे हैं इस मैच को, आज दोस्तों आईपीएल का ये 15वां मैच खेला गया। दोस्तों आईपीएल 2022 का ये 15वां मुकाबला दिल्ली और लखनऊ के बीच में खेला गया। एक तरफ थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच में मुकाबला खेला गया। दोनों टीमों की अगर हम बात करें दोस्तों तो आज के मैच में लखनऊ ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और गेंदबाजी करते हुए पहले इनवाइट किया दिल्ली को बैटिंग करने के लिए, और दिल्ली की टीम ने 149 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। दोस्तों अगर बात करें दिल्ली के खिलाड़ियों के रन बनाने की तो पृथ्वी शॉ ने सबसे ज़्यादा रन 34 गेंदों में 61 रन बनाए, जिनमें 9 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। डेविड वार्नर की बात करें तो 12 गेंदों में 4 रन, पावेल ने 3 गेंदों में 10 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 36 गेंदों में 39 रन की पारी।